हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फास्टैग वाटर प्यूरिफायर। और आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल एंड ऑल है, क्योंकि मैं आपसे शेयर करूंगा आरओ के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में। वो है ये एसएमपीएस से एडेप्टर, जिसका आउटपुट 24 वोल्ट का होता है, जिसपे मोटर जो होता है आरओ मशीन का, ये सारी तरह की मशीन जो भी काम करती है वो इस एसएमपीएस के थ्रू ही करती है। सो ये वीडियो मैंने बनाया है इसलिए कि नॉर्मली जब आप एसएमपीएस खरीदते हैं या परचेस करते हैं, इसका मार्केट प्राइस है अराउंड 500, 600, 700, अलग अलग टाइप्स के क्वालिटी वाइज होते हैं जो ये मिल जाते हैं। सो उस वक्त परचेस करते हुए अगर आपको चेक करना है कि आपका एसएमपीएस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी क्या ट्रिक है, कैसे टेक्नीशियंस को मालूम पड़ता है कि जो एसएमपीएस वो परचेस कर रहे हैं वो एक्टिव है कि नहीं है। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक कर सकते हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो मशीन में इसे लगाते वक्त। सबसे पहले ये स्विच है, यहाँ पे मैंने स्विच में इसे लगा दिया है। स्विच में लगाने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने स्विच ऑन कर दिया है। और अगर ये एसएमपीएस चालू रहेगा तो ये सिंपली इस तरह से स्पार्क करेगा, आप देख सकते हैं जो स्पार्क है, स्पार्क से मालूम पड़ता है कि एसएमपीएस चालू है, एसएमपीएस एक्टिव है। तो अगर आप भी कभी एसएमपीएस खरीद रहे हैं, अगर आप टेक्नीशियन हो या अगर आप दुकान पे जा रहे हो परचेस करने के लिए, तो इस तरह से आप स्पार्क करके एसएमपीएस चेक कर सकते हो। तो गाइस, होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।